أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hello viewers. We are going to talk about self-management as a mean and not an end itself. We'll talk about very specially about the regulation of behavior of individual. How the behavior is to be controlled and regulated by different actions. इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे की needs की assessment उसको हो और वो उसके बारे में conscious हो और फिर उसकी जो desires हैं उसको वो judge करे कि what I need and what I to do and what is to be accumulated and accommodated और अपने goals को वो recognize करता है with the help of knowledge and also skills. Skills for performance, for attaining those goals. So, in sari cheezon ko hum dekhte hain ki wo apne aap ko regulate karta hai with the actions ke kya perform hona chahiye. Aur isme expectations develop kar raha hota hai. Aur wo saath saath ye hai ki apna ek self system of forces usko monitor kar raha hota hai. What I can and what I cannot and how I do expedite kis tarah se maine apni forces ko istemal karna hai aur kis tarah maine apne actions ko aage badha aur isme hum mazid ye dekh rahe hain ke bachcha jo hai na wo apne aap ko self regulate kar sakta hai yani jab use cheezon ka andaaza hoga ke what I to do and what I not to do to iska matlab ye hai ke having some command और उसमें यह है कि जब उसकी अवेयरनेस डेवलप होती चली जाती है वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट भी करता है और इसमें अपनी वो सोशल सिस्टम फोर्सेस उसको खास तौर पर अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी डिज़ायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और अपनी तमाम तरह की एबिलिटीज़ को बुरुएकार लाने के लिए बर वक्त वो अपनी जजमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व करता है और इसमें सेल्फ सिस्टम फोर्सेस क्या हैं किस तरह से बच्चा उसको यूज़ कर सकता है और इसमें सबसे पहली बात यह है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से मुराद है कि वो अपने जो मुख्तलिफ तरह के टास्क हैं अपनी मुख्तलिफ तरह की एबिलिटीज़ हैं उसको कंपेयर कर रहा होता है और उसे अंदाज़ा होता है यस आई कैन डू इट। स्मार्ट टास्क वो चूँकि कर चुका होता है और उससे उसका अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका होता है यस आई कैन परफॉर्म आई कैन डू और इसी तरह वो थोड़ा सा कंपैरिजन दूसरों के साथ भी कर लेता है और अपनी एबिलिटीज़ को कंफर्म करता है तो कि यस डेफिनेटली आई कैन डू दिस और इसी तरह ये उसकी जो इंटरनल स्टेट्स हैं इंटरनल कॉम्पोनेंट्स हैं आप डिफरेंट फोर्सेज दोज आर बीइंग डेवलप्ड विद अ पैसेज ऑफ टाइम तो वो साथ साथ उसके चल रही होती हैं और उसको रिकग्नाइज कर रहा होता है। इसी तरह सेल्फ प्रेजेंटेशंस हैं इसका ताल्लुक जो है ना वो जब वो इजहार करता है परफॉर्म करता है और उसको अपनी साउंड की पेच और उसकी प्रेजेंटेशन का अंदाज़ा होता है उसकी लाउडनेस का अंदाज़ा होता है तो वो उसको जज करता है कि यस दिस लेवल इज़ वेरी फिट टेस्ट और जब उसे फीडबैक मिलता है और फीडबैक की बुनियाद पर वो अपने आप को फिक्स अप करता है कि वेयर आई टू फिक्स माई सेल्फ फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द अदर्स और वो अपने इंडिविजुअल शेपिंग डिवाइस डिज़ाइन कर रहा होता है कि हाउ आई टू शेप इट अप फॉर द ऑथेंटिफिकेशन ऑफ इट सेल्फ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। इस तरह वो अपने सोशल एनवायरनमेंट को देख रहा होता है कहाँ उसने इंटरेक्ट करना है किस तरह के हालात हों तो उसने किस तरह से परफॉर्म करना है ज़्यादा लोगों बातों का जी है कि वो थोड़े लोगों में छोटे ग्रुप में बेहतर परफॉर्म करता है जब उसे कॉन्फिडेंस हासिल हो जाता है फिर वो चाहता है कि मैं ज़रा आई कम टूवर्ड द बिग ग्रुप और उसमें हम ये भी देखते हैं कि एक सोशल क्लास है उसको वो तलाश करता है जहाँ उसकी एडमायरेबिलिटी है जहाँ पर उसकी एक्सेप्टेंस है जहाँ पर उसके उसके जो अपने पोटेंशल्स हैं अपने एबिलिटीज़ हैं दैट इज़ बींग रिकग्नाइज सबसे पहले तो उसकी अपनी फैमिली है
फैमिली उसको रिकॉग्नाइज करती है कि यस यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, आपकी साउंड, आपके टास्क, आपकी एक्यूरेसी और आपके परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टास्क इज वेरी वेल डन। तो वहाँ से उसकी अपनी जो एक फोर्स है वो डेवलप होती है और वह लीडिंग टूवर्ड्स द अदर सोशल क्लासेस वेयर द पर्सन इज टू इंटरैक्ट, और उसमें उसकी उसके क्लासमेट्स हैं, उसके वो हम जोली हैं जिनके साथ वो खेलता। इसी तरह एथनिसिटी है कि वो सोसाइटी में मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स जो मौजूद हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होता है और अपने इजहार के लिए वो अपनी आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है, अपनी आइडेंटिटी को वो चाहता है कि बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग एक्सप्रेस्ड एंड बीइंग एडमायर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर्स। और उसकी एक अपनी सोशल वर्ल्ड है जिसके अंदर वो अपने आप को मनवाता है और अगर उसे मान लिया जाता है तो फिर यह है कि उसे अंदाज़ा होता है कि यस आई एम द कंपोनेंट ऑफ दिस ग्रुप, और वो ग्रुप कितना बड़ा है, जब वो और आगे बढ़ता है तो उसे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कंपैरिजन उसके जहन में आता है और वो मोर बिकमिंग कॉन्फिडेंट अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।